साथ साथ पढ़ा जाए, सब मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा कि साथियों में फिलहाल मदीने चला, फिर कर्म हो गया, फिर कर्म हो गया, मैं मदीने चला, 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 फिर कर्म हो गया, फिर कर्म हो गया, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। झूमता झूमता मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। और जो है महबूब रब अपनी उनसे ही सब, जो है महबूब रब अपनी उनसे ही सब, बख्शवाने खता मैं मदीने चला, बख्शवाने खता मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। और जब इंसान मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहा होता है तो क्या सिचुएशन होती है, कैसी आपकी हालत होती है? कि अश्क थमते नहीं, पांव जमते नहीं, अश्क थमते नहीं, पांव जमते नहीं, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने और मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा, खुदा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। और सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर, सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर, पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला, पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। और क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, रखते सफर किसको कहते हैं, सफर के सामान को, कि क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चलो बैदे रजा मैं मदीने चला, चलो बैदे रजा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर कर्म हो गया मैं मदीने चला। मदीना तैयबा जाने के लिए इंसान क्यों इतना कहने के इतना डेस्परेट होता है कि बार बार जाना है, बार बार जाना है, क्यों? कोई जवाब है? क्यों? दिल की कशिश मोहब्बत और
जो एक दफा दिल को लग जाए, जो एक दफा दिल को लग जाए फिर वो बार बार उसको जाना होता है। असल वजह ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ मौजूद है ना, ये वजह है कि उनकी मोहब्बत हमें वहाँ खींचती है बार बार। तो शायर क्या कहते हैं कि हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर मौजूद है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जावे कहीं, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। ये तो हमें मालूम है कि जन्नत में मदीना तैयबा नहीं है, लेकिन मदीना में जन्नत कहाँ मौजूद है? रियाज में जन्नत और जन्नतुल बकी। अच्छा, और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर मौजूद हो वो जन्नत है। इसकी एक रोज़े मुबारक, इसकी एक मैं आपको वाकई से एक मिसाल समझाती हूँ। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी ये ड्यूटी थी कि वो वज़ू का पानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना सुबह लेकर जाया करते थे। एक मरतबा पानी लेकर आए वज़ू करवाने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो दरियाए रहमत जोश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मांगो रबिया, फरमाया, पूछा नहीं, मांगो रबिया, क्या मांगते हो? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पता है कि आया कहाँ से है, तो फिर उस लेवल का मांगना है ना। हमारी दिल में क्या ख्वाहिशात होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो कि अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी जगह घर हो जाए, ये वाली गाड़ी है तो वो वाली हो जाए, है ना। हमसे कोई पूछे क्या चाहिए तो हम अपने आप को अपग्रेड करने की चीज़ें बताएंगे, अच्छी जॉब मिल जाए, वो फला बस, है ना, ये चेन में काम मिल जाए, वहाँ पे उस कंट्री में शिफ्ट हो जाए, बस यही हमारी सारी ख्वाहिशात है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की ये ख्वाहिश होगी कि भाई अच्छे कपड़े हो जाएँ, अच्छी जगह शादी हो जाए, है ना, ये सारी हमारी दुआएं होंगी। लेकिन हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मैं मिसाल नहीं दे रही, मैं एक जनरल हमारी सोच की बात कर रही हूँ, लेकिन हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या मांगा होगा, यानी गेसेस, क्या मांगा हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए तो क्या बात है। अब एक जुमले में कितनी चीजें मांगी, जन्नत ऐसी तो नहीं मिल जाएगी, पहले तो बख्शिश होगी, बख्शिश किसकी होगी, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, तो बख्शिश भी मिल गई, शफाअत भी मिल गई, और उसके बाद जन्नत भी मिल गई। अब जन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कैसे मजा देगी,
तो फरमाते हैं जन्नत में अगर आपका पड़ोस मिल जाए तो क्या बात है। तो जब जन्नत जब हमारे लिए मुकम्मल होगी, जब खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होंगे। क्यों तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وعليه مبارك وسلم وصلي عليه। एक बच्ची हमारे दरमियान मौजूद है, जुनैरा, जो इनका नाम है। और मैं हैरान हुई जब उनकी वालदा मेरे पास आई और उन्होंने कहा मेरी बच्ची का फेवरेट कलाम ये है। नॉर्मली बच्चों को मशहूर कलाम या आसान कलाम पसंद होते हैं, मगर मुझे उस बच्ची की चॉइस पे हैरत हुई कि अल्लाह ताला ने क्या फहम और अकल दी है, क्या जहन दिया है कि बहुत कम बच्चे ये कलाम जो है वो पढ़ते हैं या पसंद करते हैं। और ये वाकई इस दुनिया की हकीकत है, रियालिटी यही है। हम कितना भी अपने आप को चमका लें, धमका लें, हम कितनी भी अच्छा लाइफ स्टाइल अपना कर लें, लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी और से भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सोने। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शान कैसी कैसी, मकी हो गए ला मका कैसी कैसी, हुए नामवर बेनिशा कैसी कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, खरीदेंगे क्या क्या न हसरत सहारा। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाम।
नहीं है जगह जी लगाने की, दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक और आंटी ने भी मुझे कोई फरमाइश की थी लेकिन मैं भूल गई, अगर वो यही कहीं है तो वो प्लीज आके मुझे बता दें। और बल्कि और भी अगर किसी की कोई फरमाइश है तो वो बता दें, ताकि वैसे तो अगर कोशिश करूंगी कि कल के प्रोग्राम में कुछ पढ़ूं। कल हमारे दो प्रोग्राम्स हैं, वो मुझे देखने हैं। मस्जिद में एक वासिया मस्जिद में है वो 4 बजे और एक नूरुल इस्लाम में है वो 2 बजे। तो जिनके पास जो करीब है, अगर दूर भी है तो फिर भी आए, और अगर करीब है तो ज़रूर आए, और ख़ुद भी आप तशरीफ़ लाएँ और बाकी लोगों को भी बताएँ। अब एक कलाम पेश